You are welcome at Annie's English TV. Today I am going to explain the chapter Everything Else. Everything Else means तकरीबन हर चीज चैप्टर का नेम है। ये आर के नारायण की बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति है, बहुत ही बेहतरीन मास्टरपीस है उसकी जो बुक्स है उसमें से स्वामी एंड फ्रेंड्स एक उसकी बुक है, उसमें से लिया हुआ एक अंश है। दिस पर्टिकुलर एक्सपर्ट From the book has never failed to make me smile. ये जो स्वामी एंड फ्रेंड्स एक बुक है जो आर के नारायण की लिखी हुई है, तो उसकी बुक का एक बहुत ही बेहतरीन एक अंश है जो आप सुनेंगे तो हंसी को रोक नहीं पाएंगे, और जब भी मैं इसको पढ़ता हूँ मुझे बड़ी हंसी आती है। तो आइए शुरू करते हैं। स्वामीनाथन सेट इन हिज फादर्स रूम इन ए चेयर। स्वामीनाथन अपने पिताजी के कमरे में कुर्सी पर बैठा हुआ था। रेडी विद ए स्लेट एंड पेंसिल इन हिज हैंड, अपने हाथ में एक स्लेट और पेंसिल लेकर रेडी बैठा हुआ था। फादर हेल्ड द अर्थमेटिक बुक ओपन एंड डिक्टेटेड। पिताजी अर्थमेटिक की जो बुक थी मैथ की वो ओपन करके और तय करके बैठा हुआ था कि मैंने ये क्वेश्चन पूछना है। राम हैज 10 मैंगोज विद विच ही वॉन्ट्स टू अर्न 15 अनाज। राम के पास 10 आम थे जिससे वह 15 आना कमाना चाहता था। आना मीन्स आप रुपये मान के चले, क्योंकि ये मुद्रा का नाम है, जैसे हम रुपये बोलते हैं इसी प्रकार अमेरिका में आना चलता था, एक आना, दो आना, चार आना, जैसे इंडिया में बोलते हैं चार आने, चार आने मीन्स आठ आने, चार आने मीन्स अठन्नी चवन्नी, उसी से आई है, आने से ही बनी है, चार आने का एक रुपया बन गया इस प्रकार से। तो क्वेश्चन दिया गया कि राम के पास 10 आम थे और उससे वो 15 आना कमाना चाहता था। कृष्णा वांट्स ओनली 4 मैंगोज, कृष्णा के पास जो कृष्णा चाहता था कि वो 4 आम खरीदना चाहता था। हाउ मच विल कृष्णा हैव टू पे, तो कृष्णा को कितने पैसे देने पड़े। देखिए राम कृष्ण को सुनिए, राम 10 आम के 15 रुपये कमाना चाहता था ये मान के चले, और कृष्णा जो है 4 आम खरीदना चाहता था, तो कृष्णा ने 4 आम के कितने आने देने पड़े, ये क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन किस प्रकार से आपको हंसाएगा देखिए, कि स्वामीनाथन इसको किस प्रकार से लेता है, किस प्रकार से क्वेश्चन को सोचता है। स्वामीनाथन गेज्ड एंड गेज्ड एट दिस क्वेश्चन। स्वामीनाथन बार बार क्वेश्चन को इस शब्द को देखता है, एंड एवरी टाइम ही रीड इट, और जब भी जितनी बार इसको वो पढ़ता है, इट सीम टू एक्वायर ए न्यू मीनिंग, तो हर बार वह इसका एक अलग सा नया मीनिंग निकाल लेता है। ही हैड द फीलिंग ऑफ हैविंग स्टेप्ड इनटू ए फियरफुल मेज। ही हैड द फीलिंग, उसकी फीलिंग ऐसी हो रही थी इस समय इस क्वेश्चन को देख करके स्वामीनाथन की, कि जैसे उसका किसी भूल भुलैया में पैर रखवा दिया गया है, भूल भुलैया में फंसा दिया गया है। His mouth began to water at the thought of mangoes. अब इसे क्वेश्चन करने के लिए दिया गया है, लेकिन मैंगोज का विचार इसके दिमाग में, आम का विचार आया, उससे इसके मुंह में पानी आ गया। He wondered what made Ram fix 15 anas for 10 mangoes. वह हैरान हुआ ये जान करके कि राम ने 15 आना ही क्यों कमाना चाहा, 10 आम से 15 आना ही क्यों कमाना चाहा, ये सोच करके वो हैरान था। जब ये क्वेश्चन करना चाहिए था, क्वेश्चन नहीं कर रहा है, ये सोच रहा भी 10 आम से 15 आना ही क्यों कमाना चाहा राम ने। व्हाट काइंड ऑफ ए मैन वाज राम, राम किस किस्म का आदमी था, ये सोच रहा है अभी स्वामीनाथन। प्रोबेबली ही वाज लाइक शंकर, संभवतः ही मैं जरूर वह शंकर जैसा होगा। जरूर शंकर कौन था, शंकर स्वामीनाथन जो लड़का है जो जिसने क्वेश्चन करना है इसका फ्रेंड था, क्लासमेट था शंकर, और शंकर जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होता था उसको बड़ी आसानी से हल कर लेता था। अब ये सोच रहा राम जो था वो मेरे दोस्त शंकर के जैसा था। Somehow one couldn't help feeling that he must have been like शंकर। किसी प्रकार से कोई नहीं उसकी मदद कर सकता था ये फीलिंग करने में, उसकी जो फीलिंग थी इसमें कि उसको शंकर के जैसा ही होना चाहिए था। विथ हिज 10 मैंगोज, 10 आम के साथ, एंड हिज आयरन डिटरमिनेशन टू गेट 15 अनाज, कि देखिए उसके पास
10 आम, और उसने पक्का निश्चय कर रखा, जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था उसका, एक आर्य डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय कहिए, कि उसने 10 आम से 15 आने ही कमाने का जो है दृढ़ निश्चय कर रखा था। इफ राम वॉज लाइक शंकर, अब देखिए इसका तरीका क्या सोच रहा है, यदि राम शंकर के जैसा था तो कृष्णा मस्ट हैव बीन लाइक द पी। तो कृष्ण जो है, जो 4 आम खरीदने गया था, तो कृष्ण पी के जैसा होना चाहिए। पी कैसा था? पी क्लास में अर्थमेटिक में बिल्कुल बेवकूफ था, मूर्ख था, उसको नहीं आता था मैथ। तो कह रहा है यदि राम के जैसा शंकर था, मेरा दोस्त शंकर राम के जैसा था, तो जो कृष्ण जो 4 आम खरीदने गया था वो पी के जैसा था। पी इसका दोस्त है जो अर्थमेटिक में बहुत ही कमजोर है। हेयर स्वामीनाथन फेल्ट एन अनकाउंटेबल सिंपैथी फॉर कृष्णा। अब यहाँ पे स्वामीनाथन एक अनगिनत जो एक सिंपैथी रखता, सहानुभूति, दया भाव रखता है कृष्णा के प्रति, कि बेचारा उसको कुछ आता नहीं था, अब कैसे उसको पेमेंट करेगा, 4 आम खरीदेगा तो उसको किस प्रकार से उसको पेमेंट करेगा। तो अब कृष्णा के प्रति दया भाव कर रहा है। मैथ में क्वेश्चन उसके पिताजी ने दिया, क्वेश्चन को हल करने की बजाय वो सोच रहा है बेचारा कृष्ण अब इसको किस प्रकार से कितने रुपए देगा। हैव यू डन द सम, क्या आपने क्वेश्चन को कर दिया? फादर आस्ट, पिताजी ने पूछा। लुकिंग ओवर द न्यूज पेपर ही वॉज रीडिंग, उसका पिताजी जब अखबार पढ़ रहा था तो उसके पिताजी ने पूछा अपने बेटे से कि बेटा क्या आपने क्वेश्चन कर दिया? फादर विल यू टेल मी इफ द मैंगोज वर राइट, पिताजी क्या आप मुझे बताओ कि जो आम थे जो आपने क्वेश्चन में पूछा क्या वो पके हुए थे? अब ये बताइए आम पके हुए थे या कच्चे थे, इस बात से क्या मतलब है? भाई 10 आम थे, उससे 15 रुपए उसने कमाने थे, 15 आने, और 4 आम के कैसे ने कितने रुपए उसको देने पड़े, कितने आने उसको देने पड़े, बात ये थी, ये निकालनी थी। लेकिन अब लड़का क्या पूछ रहा है, पिताजी क्या वो आम जो थे वो पके हुए थे? फादर रिगार्डेड हिम फॉर ए वाइल एंड स्मदरिंग ए स्माइल रिमार्क, फादर ने उसको देखा, उसको समझ गया, और फिर अपनी हंसी को दबाते हुए, क्योंकि उसके पिताजी को भी हंसी आ रही थी, अपनी हंसी को रोकते हुए, डू द सम फर्स्ट, पहले क्वेश्चन को पूरा करो, उसे पिताजी ने कहा, आई विल टेल यू वेदर द फ्रूट्स वर राइप और नॉट आफ्टर वार्ड्स, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि जो फ्रूट्स जो थे वो पके हुए थे या कच्चे थे, पहले आप इस क्वेश्चन को करो। कितनी देर लगा दी। स्वामीनाथन फेल्ट अटरली हेल्पलेस, स्वामीनाथन बहुत ही बिल्कुल ही एक असहाय, बहुत ही एक परेशान हो रखा था, हेल्पलेस हो गया था। इफ ओनली फादर वुड टेल हिम वेदर राम वॉज ट्राइंग टू सेल राइप फ्रूट्स और अनराइप वंस, केवल पिताजी ये बता देता भी वो कच्चे आम बेच रहा था या पक्के आम बेच रहा था, इससे भी बताओ पिताजी को क्या जो बताने के लिए, ऐसा उसने सोचा। ऑफ व्हाट अवेल वुड इट बी टू टेल हिम आफ्टरवर्ड्स, इससे क्या हो जाएगा यदि उस इस बात को मेरे पिताजी को पके हुए दे कच्चे दे बाद में बताएगी, इससे मतलब क्या हो जाएगा? ही फेल्ट स्ट्रॉन्गली दैट द आंसर टू दिस क्वेश्चन कंटेन्ड द की टू द होल प्रॉब्लम, ही फेल्ट स्ट्रॉन्गली, उसने बहुत स्ट्रॉन्गली महसूस किया दैट द आंसर टू दिस क्वेश्चन, कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है कंटेन द की टू द होल प्रॉब्लम, कोई ना कोई एक की है जो पूरी प्रॉब्लम को हल करेगी। इट वुड बी स्कैंडलस टू एक्सपेक्ट 15 अनाज फॉर 10 अनराइप मैंगोज, अब देखो क्या सोच रहा है, इट वुड बी स्कैंडलस, स्कैंडलस होता अनुचित, मतलब ये 15 जो आने हैं ये 10 अनराइप मैंगोज के लिए, कच्चे आम है यदि 10 तो उसके लिए 15 अनाज जो है 50 रुपये जो है वे एक अनुचित अमाउंट है, इतनी नहीं होनी चाहिए थी। बट इवन इफ ही डिड, लेकिन यदि उसने ऐसा किया इट वुडंट बी अनलाइक राम, तो मैं राम को पसंद नहीं करेगा, अभी कच्चे 10 आम को 15 रुपये में बेच रहा, फिर तो ये राम बेकार था। होम स्वामीनाथन वॉज स्टेडीली बिगनिंग टू हेट, जिससे धीरे धीरे करके, अब ये क्वेश्चन है लेकिन धीरे धीरे इस क्वेश्चन में जो राम आया है इससे ये नफरत सी करने लगा, ये बेकार आदमी तो 10 कच्चे आम 15 रुपये में बेच रहा है। एंड इन्वेस्ट विद द डार्केस्ट क्वालिटीज, और उसकी जो बुराइयां हैं उसकी बुराइयां ढूंढने लगे, मतलब बुरी बुराई की तरफ उसका दिमाग जाने लगा। फादर आई कैन नॉट डू द सम,
पिताजी मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता हूँ, स्वामीनाथन सेड। स्वामीनाथन ने कहा, पूसिंग अवे द स्लेट, स्लेट को दूर धकेलते हुए पिताजी मेरे बस की बात नहीं, ये लोग मेरे से नहीं हो रहे। व्हाट इज द मैटर विद यू, क्या हो गया भाई आपसे, क्यों नहीं हो रहा आपसे, यू कांट सॉल्व ए सिंपल प्रॉब्लम इन सिंपल प्रोपोर्शन, क्या आप एक सिंपल से अनुपात का एक सिंपल सा क्वेश्चन भी हल नहीं कर सकते हो। वी आर नॉट टॉट दिस काइंड ऑफ थिंग इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में इस किस्म के जो क्वेश्चन है वो नहीं सिखाए गए। गेट द स्लेट हियर, आई विल मेक यू गिव द आंसर नाउ, अब पिताजी कहता है कि ये स्लेट मुझे दे दीजिए, अब मैं बताता हूँ आंसर कैसे निकलेगा। स्वामीनाथन वेटेड विद इंटरेस्ट फॉर द मिरेकल टू हैपन, स्वामीनाथन ने कुछ देर तक बड़े चाव के साथ इंतज़ार किया कि अब जो क्या घटने वाला है, बिल्कुल क्या अजीब सा अब होगा कि भाई किस प्रकार से पिताजी क्वेश्चन करके दिखाएंगे। फादर स्टडीड द सम फॉर ए सेकेंड एंड आस्क्ड, पिताजी ने क्वेश्चन को एक सेकेंड पढ़ा और पूछा, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 10 मैंगोज, 10 आम की कीमत जो है वो कितनी है। स्वामीनाथन लुक्ड ओवर द सम टू फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सम कंटेंट एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, स्वामीनाथन ने भी क्वेश्चन को देखा और उसने देखा कि भाई इसका इस क्वेश्चन का हल इस क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर कहां पर है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। यू सीम टू बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इडियट, पिताजी कहता तू बिल्कुल महामूर्ख है। नाउ रीड द सम, पढ़ो एक बार इस क्वेश्चन को, कम ऑन आइए देखिए पढ़िए। हाउ मच डज राम एक्सपेक्ट फॉर 10 मैंगोज, कितना राम 10 आम के लिए कितना एक्सेप्ट कर सकता है। 15 अनाज ऑफ कोर्स, लड़का कहता है निसंदेह 15 आना। स्वामीनाथन थॉट, स्वामीनाथन ने सोचा, बट हाउ कुड दैट बी इट्स प्राइस, लेकिन ये इसकी कीमत कैसे हो सकती है। जस्ट प्राइस, केवल एक कीमत, वही उसकी इनकम। इट वॉज वेरी वेल फॉर राम टू एक्सपेक्ट इट इन हिज ग्रीड, बट वॉज इट द राइट प्राइस, ये कह रहा है ये हो सकता है राम ने ये जो कीमत रखी ये ठीक हो, लेकिन ये उसका लालच है इतनी कीमत रखना। एंड देन देर वॉज द अननोन पॉइंट वेदर द मैंगोज वर राइप और नोट, और यहाँ पे एक दूसरी तरफ एक पॉइंट और अभी है कि वे आम कच्चे थे या पक्के थे। भाई पक्के हो तो चलो बात चल जाए भाई ठीक है कीमत, लेकिन कच्चे आम कितनी कीमत, फिर गलत कर रहे हो। इफ दे वर राइप 15 अनाज माइट नॉट बी एन इम्प्रोबेबल प्राइस, यदि वे पके हुए थे तो 15 आने कोई ज्यादा कीमत नहीं थी, ठीक थे। इफ ओनली ही कुड गेट मोर लाइट ऑन दिस पॉइंट, लेकिन इसका लड़के का स्वामीनाथन का केवल इसी बात पर दिमाग अटका हुआ है कि वे पक्के थे चलो भाई ठीक है कीमत, लेकिन अभी भी उसका इसी पॉइंट पे उसका दिमाग अटका हुआ था। हाउ मच डज राम वॉन्ट फॉर हिज मैंगोज, हाउ मच डज राम वॉन्ट, कितना राम चाहता है फॉर हिज मैंगोज, अपने आम आम जो उसने बेचे हो उसके लिए वो कितना चाहता है। 15 अनाज रिप्लाइड स्वामीनाथन, स्वामीनाथन ने उत्तर दिया 15 अनाज चाहता है, विदाउट कन्विक्शन, बगैर विश्वास के, विश्वास नहीं था कि ये मेरा उत्तर ठीक है या गलत। इसके पिताजी ने पूछा कितने चाहता है वो राम इसके लिए 10 आम के लिए, तो उसने कहा अपने ऊपर विश्वास नहीं था जो मैं कह रहा हूँ ठीक है गलत, कहा उसने 15 अनाज, वेरी गुड, उसके पिताजी ने कहा वेरी गुड। हाउ मैनी मैंगोज डज कृष्णा वांट, कृष्णा कितने आम चाहता है ये बताओ, उसने उत्तर दिया 4। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 4, तो अब ये बताओ 4 आम की कीमत कितनी हो गई। फादर सीम्ड टू डिलाइट इन टॉर्चरिंग हिम, अब पिताजी उसको टॉर्चर करते हुए जो परेशान करते हुए नजर आया। हाउ कुड ही नो, वह कैसे पता चलता, हाउ कुड ही नो व्हाट द फूलिश कृष्णा वुड पे, किस प्रकार से जो मूर्ख जो कृष्णा था उसको पता चलता कि उसको कितने पैसे उसको देने हैं। लुक हियर बॉय, लड़के यहाँ देखिए, आई हैव हाफ ए माइंड टू थ्रेस यू, मैं आपका आधा दिमाग बना लिया तेरी पिटाई करने के लिए, उसका पिताजी कह रहा है उसको। व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर हेड, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। 10 मैंगोज कॉस्ट 15 आना, जब आपको पता है 10 मैंगोज की कीमत 15 आना है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ वन, तो एक की क्या होगी।
कम ऑन, बताइए। इफ यू डोंट से इट, यदि आप ये नहीं कहते हो, नहीं बताते हो, हिज हैंड टुक स्वामीनाथन्स ईयर एंड जेंटली ट्विस्टेड इट, उसका कान पकड़ के स्वामीनाथन का पिताजी कह रहे, यदि तूने नहीं बताया और उसको ऐसे घुमा रहा है, जेंटली ट्विस्टेड कर दिया, स्वामीनाथन कुड नॉट ओपन हिज माउथ, स्वामीनाथन ने अपना मुंह नहीं खोल सका हो, बिकॉज ही कुड नॉट डिसाइड, क्योंकि उसने निर्णय नहीं लिया था, वो डिसाइड नहीं किया था, इफ द सॉल्यूशन रियली ले इन द रियलम ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन और डिविजन, क्योंकि अभी तक स्वामीनाथन को ये नहीं पता था ये क्वेश्चन जो है ये सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है, एडिशन से है, या मल्टीप्लीकेशन या डिविजन से है। द लॉन्गर ही हेजिटेटेड, अभी भी वो बहुत हिचकिचाया हुआ था, डरा हुआ था, द मोर वायलेंट द ट्विस्टेड वॉज बिकमिंग, उतना ही उसका पिताजी उसके कान को ऐंठ रहा था, खींच रहा था। इन द एंड व्हेन फादर वॉज वेटिंग विद ए स्काउल फॉर एन आंसर, इन द एंड अंत में व्हेन फादर वॉज वेटिंग, जब पिताजी इंतजार कर रहा था, विद ए स्काउल मतलब एक गुस्से वाले एक्सप्रेशन में, फॉर एन आंसर उत्तर के लिए उसके पिताजी इंतजार कर रहा था कि भाई इसका अब लड़का उत्तर देगा, He received only a squeal from his son. उसने अपने बच्चे से केवल एक चिल्लाहट की आवाज़ सुनता, जब भी वो कैम काम को हैठता, बता जल्दी बताइए, तभी वो बच्चा चिल्लाता रोए का दर्द होता है वो, लेकिन आंसर नहीं बताया अभी तक उसने। आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू टिल यू टेल मी हाउ मच ए सिंगल मैंगो कॉस्ट एट 15 अनाज फॉर 10। मैं आपको जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप ये नहीं बताओगे भी 15 आने जब 10 आम की कीमत थी तो 4 की कितनी, जब तक आप नहीं बताओगे मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, कान को कान पकड़ लिया करके। आगे देखिए, व्हाट वाज द मैटर विद फादर, पिताजी के साथ ये क्या मामला था, स्वामीनाथन कैप्ट ब्लिंकिंग, पलके झपका रहा है स्वामीनाथन, ये कमाल है, पिताजी को ऐसी क्या टेंशन हो रही, क्यों पूछ रहे हैं ऐसी बात ही, वेयर वॉज द अर्जेंसी टू नो इट्स प्राइस, क्या ऐसी इमरजेंसी आ गई ये कीमत जाननी है पिताजी ने, ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई, पिताजी को मान लीजिए इस बात का ना पता चले भी कितनी कीमत बनती कितनी नहीं, तो पता कौन सा दिक्कत आ जाएगी। एनी वे चल छोड़िए, इफ फादर वॉन्टेड टू बैडली टू नो, यदि पिताजी इसका आंसर बिल्कुल चाहते ही हैं, इंस्टेड ऑफ हरासिंग हिम, उसको बगैर हरास किए बगैर परेशान किए, लेट हिम गो टू द मार्केट एंड फाइंड इट आउट, तो पिताजी फिर खुद जाके मार्केट में खुद ही पता कर लें कितने का है कितने का नहीं, तो मेरे को क्यों दुखी कर रहे हैं। ऑल द राम्स एंड कृष्णाज, राम और कृष्णा दोनों ही, विद देयर एंडलेस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ओल्ड क्वांटिटीज ऑफ मैंगोज एंड फ्रैक्शंस ऑफ मनी वर गेटिंग डिस्गस्टिंग। राम और कृष्णा के ये दोनों ही, विद देयर एंडलेस बाइंग मतलब अनंत उनकी खरीद और सेलिंग जो थी ऑफ ओल्ड क्वांटिटीज, मतलब मेल नहीं खाती थी ऐसी मात्रा में आम की, एंड फ्रैक्शंस ऑफ मनी, और जो मनी थी उसकी फ्रैक्शन मैच नहीं कर रही थी, तो वर गेटिंग डिस्टर्ब, ये और भी बहुत उसको परेशान कर रही थी चीज, ये मैच ही नहीं कर रही थी, हमारे 12 केले 12 रुपए के, तो सीधा सा 1 केला 1 रुपए का सीधा से निकल जाए, लेकिन फ्रैक्शन उसको दुखी कर रही थी। फादर एडमिटेड डिफीट बाय डिक्लेयरिंग, फादर ने स्वीकार किया कि हार मान ली, भाई ये तो इसकी समझ में बात आएगी नहीं, ये नहीं करेगा। वन मैंगो कोस्ट 15/10 अनाज सिंप्लीफाइड, अब पिताजी ने इसको दूसरे तरीके से क्वेश्चन दिया, वन मैंगो कोस्ट 15 ऐसे बताया, वन मैंगो कोस्ट 15/10 अनाज, 10 आने के ऊपर 15 मैंगो की कोस्ट, वन मैंगो की कोस्ट आपने निकाल दी सिंप्लीफाइड, इसको सिंप्लीफाई करो। हेयर ही वॉज बींग लेड टू द मोस्ट हाइडियस रीजन ऑफ अर्थमेटिक फ्रैक्शंस, अब यहाँ पे वो और भी ज्यादा हाइडियस होता है टेरिबल, अर्थमेटिक का जो फ्रैक्शन वाला पोर्शन था जो इसके लिए और भी ज्यादा भयानक था उसमें पड़ गया थे, वो इसको दिया गया था। गिव मी द स्लेट फादर, पिताजी मुझे वो स्लेट दीजिए, आई विल फाइंड इट आउट, सब मैं निकालता हूँ इसको। ही वर्क एंड फाउंड एट द एंड ऑफ 15 मिनट्स, उसने उस पर काम किया उस क्वेश्चन को हल करने का, और 15 मिनट के अंत में उसने उस क्वेश्चन को किया। द प्राइस ऑफ वन मैंगो इज 3/2 अनाज, उसने बताया कि जो कीमत है एक आम की वो 3 है, 2/2 अनाज, 2 आने के ऊपर 3।
ही एक्सपेक्टेड टू बी कॉन्ट्राडिक्टेड एनी मोमेंट। उसको ऐसी उम्मीद थी लड़के को किसी ना किसी समय उसको किसी भी पल उसको धमकाया जा सकता है, उसको विरोध किया जा सकता है, कहा जा सकता नहीं गलत है ये, तुमने गलत किया। बट फादर सेड, लेकिन पिताजी ने कहा वेरी गुड शाबाश, सिंप्लीफाइड इट फर्दर, इसी प्रकार से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इट वॉज प्लेन सेलिंग आफ्टर दैट, इसके बाद उसको थोड़ा आराम एक राहत मिली स्वामीनाथन को कि पिताजी ने कहा शाबाश ठीक कर दिया आपने। स्वामीनाथन अनाउंस्ड एट द एंड ऑफ हाफ एन आवर्स एगोनी, स्वामीनाथन ने अनाउंस किया बताया एट द एंड ऑफ हाफ एन आवर, हाफ एन आवर डेढ़ घंटे के बाद, डेढ़ घंटे की व्याथा के बाद उसने ये क्वेश्चन को हल करके बताया, कृष्णा मस्ट पे सिक्स आनास, कि कृष्णा ने जरूर छह आने देने पड़ेंगी। एंड बर्स्ट इनटू टीयर्स, ऐसा कहकर लड़का रोने लगा।